पैर में कांट लगता है तो सुदामा पैर पकड़ के रोते हैं, पुकारते हैं कि कोई मेरी मदद करो, मेरी कोई हेल्प करो। उसी समय कृष्ण उस वन में से जा रहे होते हैं, आवाज सुनते हैं, कृष्ण साथ ही से कहते रथ रुको, और कृष्ण दौड़ पड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, मैं तुम्हारे चरण से कांटा निकालना चाहता। कृष्ण सुदामा बोले नहीं नहीं मेरे चरण से कांटा मत निकालना। क्यों? बोले मुझे तुम्हारे श्रृंगार को देख के ऐसा लगता है कि तुम राजा के पुत्र हो और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरा चरण छूओगे तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान कहते हैं ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होती, ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा बढ़ जाती है। जो चरण छुए ब्राह्मण के उसकी शोभा बढ़ जाती है। आज श्राद्ध पक्ष है, सब लोग ब्राह्मणों के चरण छू रहे हैं, कल कितनी इज्जत करेंगे पता नहीं। तीन लोगों का अपमान गलती से मत कर देना, ब्राह्मण साधु और भक्त। भगवान कृष्ण के वंश का भी विनाश इसीलिए हो गया क्योंकि उनके बच्चों ने साधु संतों का ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, मजाक कर दिया। तो जिनकी कथा हम सुन रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। सुदामा के पैर से कांटा कृष्ण कहते नहीं मुझे निकालना है, और जब कांटा निकालने लगे तो मेरे भाई बहन मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कान्हा के हाथ से कांटा नहीं निकला तो मेरे गोविंद ने अपने दांतों से कांटा निकाला। ऐसे जोर से बोली, बाद में बताऊंगा सर। एक उस रिश्तेदार का नाम बता दो जो तुम्हारे पैर से कांटा अपने मुंह से निकाल दे। एक रिश्तेदार उस मित्र का नाम बता दो जो तुम्हारे पैर से कांटा निकाल। मेरे भाई बहन ये दुनिया कांटा निकालती नहीं है बल्कि पग पग पे कांटा चुभती है, जिसे मौका मिलता है वो चुभता है। कांटा निकालने का काम तो सिर्फ मेरा काना करता है, मेरे भाई बहन सिर्फ मेरा काना करता है। और जो सुदामा की तरह उसके प्यार में आ जाते हैं वो अपने होठों से अपने दांतों से कांटा निकाल देते हैं। सुदामा से एक मिस्टेक हुई, कृष्ण के बट के चना था। जिंदगी में कभी भी किसी के बट के चना मत खाना, चना में किसी का हक मत खाना, और अगर तुम किसी का हक खाते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्य कृतम कर्म सुभा शुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सते रवि। जब तुम किसी का हक खाते हो तो तुम्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई भी रूल बदल नहीं सकता। ये मत सोचना कि हमें कुछ, तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी होगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का हक खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अभी तो जिंदगी में किसी को अपना हक खिलाने की कोशिश करना चाहिए। अगर अपना भाग खिलाओगे तो माला माल हो जाओगे, और अगर किसी का हक खाओगे तो कंगाल हो जाओगे। आजकल लोग लूटना चाहते हैं, लूटना नहीं चाहते। जिसे मौका मिले वो तुम्हें लूटना चाहता है, चाहता है कि नहीं जवाब दीजिए, चाहता है कि नहीं, चाहता है कि नहीं। और जिसे मौका मिल जाए वो लूट के चला जाता है। लेकिन मेरा कृष्ण ऐसा है, जो से तुम पैदा हुए हो तब से लेके जब तक दुनिया ना छोड़ दे वो हर दिन हम पे लूटता, हर दिन। आज मुझे ये दे दो तथास्तु, आज मुझे वो दे दो तथास्तु, हर चीज देता है। और जब जीव को भगवान का काम करने की बारी आती है जीव वहां से भाग जाता है, भाग जाता है। बंधु समय गया, समय बदला, सुदामा जी का विवाह हुआ, सुदामा जी के छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, दरिद्र नारायण भी सुदामा जी के घर में आ गए। कंडीशन ये हो गई, खाना तो बहुत दूर की बात है, चूल्हे में आग नहीं लगाई जाती क्योंकि पकाने को कुछ नहीं, अन्न छोड़ो अन्न का एक दाना नहीं, एक दाना नहीं अन्न। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरणा देते हैं,
उनकी पत्नी को, और पत्नी के कहने से सुदामा जी, उनकी पत्नी कहती है आप द्वारका जाओ, मैंने सुना आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, मैंने सुना आपके बचपन के मित्र कृष्ण द्वारकाधीश है, आप क्यों नहीं जाते। बोले भगवान के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, राजा के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, मित्र के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, गुरु के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और जो लोग खाली हाथ जाते हैं वो खाली हाथ ही लौटते हैं। अब मैं भगवान भी है, राजा भी है, मित्र भी है, खाली हाथ कैसे जाऊं। भगवान खाली हाथ जाएंगे वहां तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो बोले ठीक है चुप, अब यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। वो पड़ोसी के यहां से दो मुट्ठी तंदूर मांग कर लाते हैं, और दो मुट्ठी तंदूर लाकर कहती है कि ठीक है ये लो। लेकिन उस कृष्ण से कहना किसी को इतना गरीब न बनाए कि वो भेंट भी करे तो पहले भिक्षा मांगे फिर तो मैं भेंट करे, कम से कम इतना तो दे कि जब वो उसके मन में कुछ करने के लिए हो तो वो अपने घर से कर सके। सुशीला कहती है उस भगवान से द्वारकाधीश से जाके कहना कि कम से कम इतना तो दो कि जब वो भेंट कर सके तो अपने घर से कर सके। मेरे भाई बहन आप किस्मत वाले हो कि आपको भगवान ने देने वाला बनाया, बदकिस्मत है वो लोग जो देना तो चाहते पर उनके पास होता नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहते हो, जो भगवान के आगे या दुनिया के आगे हाथ फैलाती रहे या दुनिया को कुछ देती रहे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, कैसा चाहते हो आप लाइफ, मिटा दे या देता रहे, मांगे। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, अगर काम अच्छा लगे तो दिल पे ले लेते। मंदिर के बाहर एक भिखारी भीख मांगा करता था। एक नौजवान था और वो नौजवान ने आके कहा, रोज वो कुछ ना कुछ देता था भिक्षा में, उनकी कंडीशन बड़ी खराब थी, पैर खराब थे, हाथ खराब थे, ब्लड बह रहा था जगह जगह से, उनको बहुत बड़ा रोग था, तो वो वहां बैठ के सिर्फ एक एक रुपया मांगते थे सबसे। तो बेटा रोज कुछ ना कुछ, वो अच्छे घर का था, बड़ी गाड़ी में आता था, बड़ा धनवान बच्चा था, कुछ ना कुछ उनको दे के जाता था। एक दिन उस बच्चे ने बाबा से पूछा जो भीख मांगते थे, बोले बाबा मुझे आपसे एक बात पूछनी। बोले पूछिए। बोले आप इतनी दुर्दशा में हो, आपकी कंडीशन इतनी खराब है, इसके बावजूद भी आप रोज पैसा कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, अगर आपको मांगना ही है तो आप मांगिए ना भगवान से कि भगवान मुझे मृत्यु दे दो, क्यों ये पैसा मांगने की बात, इतना तो दुख पा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने भगवान से मौत नहीं मांगी, मैंने तो दो तीन बार मरने की कोशिश भी की पर ये मुझे मारना नहीं चाहता। जानते हो तुम ये क्यों नहीं मारना चाहता। बोले मुझे नहीं पता। बोले सुनो, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे, कल मैं वहां था जहां तुम आज हो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा माय डियर, कल मैं वहां था जहां तुम आज हो। ये मुझे इसलिए नहीं मरने दे रहा क्योंकि तुम जैसे लोगों को मुझे दिखाने के लिए इसने जिंदा रखा। कल मैं वहां था जहां तुम आज हो, और मारता इसलिए नहीं है कि कल कहीं तुम वहां आ जाओ जहां मैं आज हूं। कल तुम वहां आ जाओ जहां मैं आज हूं। इस नगर का बड़ा सेठ हुआ करता था मैं, सब लोग मेरे पास आते थे सलाम करने, लेकिन मेरे बुरे कर्मों ने आज मुझे यहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। आप याद रखिए, आज आपका समय अच्छा हो सकता है लेकिन कल कितना बुरा होगा ये कोई नहीं जानता। हुआ सिंस टुमारो, नो वन केयर, किसी ने नहीं देखा कल किसका होगा। इसलिए आप सोच विराग रहे, सुदामा जी से सीखिए। कुछ नहीं था सुदाम, मेरे को बड़ा अजीब लगता है कई लोग भगवान के सामने चावल है लो, सुदामा के तंदुल 4 लाख डॉलर बैंक में जमा कर रखे हैं, तंदुल
ने तुम्हें एबल बनाया है तो उस लायक करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम धनाढ्य नहीं हो तो बहुत कुछ कर डालो, मैं ये कहता हूं कि अगर धनवान हो तो पीछे मत मुड़ना, अगर मुड़े तो मेरा ठाकुर तुम्हें समझ जाएगा इस लायक नहीं। आपका बेटा एबल हो और आपको जरूरत हो और आपका बेटा मना कर दे, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? जवाब दीजिए, इसे कैसा लगता होगा? कौन कौन ठाकुर जी से सच्चा प्यार करता है? जो सच्चा प्यार करता है हाथ उठाइए, जो नकली करते हो तो मत उठाइए। हाँ ऑब्वियसली, किनको लगता है कि कृष्ण से हम सच्चा प्यार करते हैं? हाँ ऊंचा उठाइए ना, डरते क्यों भाई? पक्का सच्चा प्यार करते हो? नीचे करते उन्हें इस पृथ्वी पर दोबारा ना आना पड़े, ऐसी में भगवान से इस भागवत का जो भी फल हो वो इनके पूज्य पिताजी को लगे, ऐसा हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विशोदपत्यादि हेतवे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है, स्वर्गादिग्रसी प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? सूर्य जी महाराज कहते हैं कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे सरल साधन है। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। भागवत महात्मा महाभारत का प्रसंग, सुखदेव जी महाराज का जन्म, राजा परीक्षित को साफ लगना, फिर गंगा के तट पर आना, सुखदेव जी महाराज से वहां प्रश्न किया गया कि जिसकी मृत्यु सात के दिन में हो वो क्या करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत सुननी चाहिए। भागवत प्रारंभ हुई शुक्रताल में, भागवत प्रारंभ हुई, राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि वर्णन नारायण की आदि से कमल कमल से ब्रह्मा इत्यादि विक्रम है। ब्रह्मा जी महाराज मनु रानी स्तुतोपाई पृथ्वी के पहले मानव, मनु जी के वंश में ध्रुव चरित्र, फिर ध्रुव जी के वंश में भगवान विदुर का अवतार प्रियव्रत वाख्यान, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभ ने भगवान का प्राकट्य, जड़वर्ग प्रसंग, रामचरित्र का वर्णन, वैसे उससे पूर्व में वामन भगवान का प्राकट्य होता है, समुद्र मंथन होता है इत्यादि बहुत सारे उपक्रम है। नरसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए उससे पूर्व में आते हैं, ये सब उपक्रम है। उसके बाद राम जन्म महोत्सव, राम जी की लीलाओं का वर्णन, फिर कृष्ण जन्म महोत्सव, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, फिर मथुरा जाना, कंस को मारना इत्यादि, द्वारिका जाना, इतने विवाह करना, यदवंशियों को साथ लगना, फिर भगवान का उपदेश और अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर ध्यान होना इत्यादि। श्रीमद् भागवत, भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। बोले भागवत महापुराण की। अब भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित सातवें दिन अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव जी महाराज का तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। तक्षक के आने के लिए गंगा तट पर पहुंचे, तक्षक आया, दशा ये श्राप की पूर्ति है, राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जब भागवत संपन्न हुई थी। भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा है कलिकाल में सिर्फ नाम आधार है, जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, और जो जीव अपने कल्याण के लिए कलयुग में चिंतित नहीं है उनसे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं। हम लोग यहां पर सिर्फ देखिए, आज का कलयुग का व्यक्ति चार काम करता है, खाता है, कमाता है, सोता है और संतान उसकी होती है, ये चार काम है। और एक सेकंड सोचिए, यही चार काम तो पशु भी करते हैं।
You are sleeping, they are sleeping. You are eating, they are eating. You are earning, they are trying to earn. You have children, they have children. Then what is the difference between animals and human being? Nothing. That is the difference. You are listening to the Srimad Bhagavatam, but they are not. You are sitting in the temple, but they are not. Nine people, they are giving donation, but they are not. That is a difference. आप हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते। ये अंतर हमें भगवान से, आप भगवान का इंसान बनाता, मानव बनाता। तो इसलिए उन्हें एक बार कह रहा हूं, अभी नहीं तो, इस मानव जीवन में अपना सदुपयोग करिए, कल्याण करिए। अगर हार गए तो फिर तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं, और जिनके लिए आप पूरा जीवन लगा रहे हो वही तुम्हें शमशान में विदा करके आएंगे, और तब आप खाली हाथ होगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा। अभी कथा पूरी करूं से पूर्व एक मिनट और मैं आपके ले लूं कि अगर इन सात दिनों में मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको अच्छी न लगी हो, प्लीज उसे याद मत रखना। पहली बात समझ लीजिए, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं कड़वा भी बोलता हूँ, कभी क्रोध भी करता हूँ, कभी कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन उस सबके पीछे उद्देश्य क्या है? आपका कल्याण, आपका उद्धार। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप बच्चे से प्यार नहीं करते। माँ बाप इसलिए डांटते हैं जिससे मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। और व्यास पीठ की नजर में सभी यहाँ पर बच्चे हैं, कोई 80 साल का बेटा है, कोई 80 साल की बेटी है, और कोई 5 साल का बेटा है तो 5 साल की बेटी है। व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। इसलिए मैं व्यास पीठ से सबका कल्याण हो ऐसे उद्देश्य को लेकर मैं भागवत करता हूँ, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जो आपके मन को हर्ट करते हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा उन शब्दों को याद मत रखिएगा। लेकिन कई शब्द ऐसे निकलते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज उसे जिंदगी भर याद रखिए, उसे कभी बोलना मत, क्योंकि वही शब्द आपका बीड़ा पार कराएगा। एक बार पुनः, जितने भी नौजवान यहां पर बैठे, तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं हो सकता। तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य तुम्हारा कल्याण करना, तुम्हारा उद्धार करना है। और अगर तुम अगर भगवान के न बन सके तो तुम किसी के नहीं बन सकते। जिंदगी में बनना है तो भगवान का बनने की कोशिश करिए। यूं तो दुनिया का बनते बनते अब आपकी पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक किसी की ये दुनिया हुई नहीं तो तुम्हारी कैसे हो सकती। ये दुनिया किसी की नहीं हुई, हुई ना किसी की, क्या होगी हमारी। होके दुखी मैंने तुमको पुकारा, बांके बिहारी मुझे देना। तो अगर आप चाहते हो आपका कल्याण हो तो आप सबसे पहले इस परमात्मा से संबंध जोड़िए, इसको अपना कहिए, और सिर्फ बाड़ी से मत कहिए। जैसे दुनिया के रिश्ते निभाते हो वैसे भगवान के साथ रिश्ता निभाइए। मुझे ज्यादा नहीं कहना, आज मुझे पता है मैंने ज्यादा कहा, 9 लोगों को मैंने कह दिया कि आप खड़े हो जाओ और आप, लेकिन इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। पहले हमारे पूर्वजों पे पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो धर्मशाला बनवा देते। तो इसके साथ हमारे बीच में हमारे तो उनसे निवेदन करूंगा कि स्वामी जी का धन्यवाद करें, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं। To extend greetings from the government of Ontario. I hope this visit will allow you to take in all the beauty that the province has to offer and wish you success in all of your future endeavors. Signed by Herder Mali, MPP, Brampton Springfield. Thank you, Herder. Namaste, everyone. Happy to join you here today to visit with Swamiji, and I want to say thank you. We had a great visit at Queen's Park the other day. I was pleased to see that you had the opportunity to visit our Ontario legislature and meet our honorable premier. We have thank you for taking the time to spend with us, and I wish you all the very best as your trip continues. थैंक यू खुशी इतने दो बारी आए।
पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी vsscity।